Subscribe my channel and be my best friend and do hit the bell icon to stay notified about my latest videos and updates. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So कैसे हैं आप सब, मैं हूं किरण जवाद एंड मैं आईज मेकअप डी आई वाइज एंड मेकअप प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूं. सो अगर मेरे आप चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको इस पैंट बेस से जिसको हम हांडी फाउंडेशन भी बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ हांडी टाइप की उसमें होती है पॉट में, तो आज मैं आपको इससे बेस बनाना सिखाऊंगी और विद सिंपल फेस पाउडर. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हर तरीके से बेस बनाना सिखाऊंगी ताकि आपके पास जो चीज़ भी पड़ी हुई है आप के साथ आसानी से बेस बना सकें. सो आज मैं इस हांडी फाउंडेशन इनके पेंट बेस और सिंपल फेस पाउडर के साथ आपको बेस बनाना सिखाऊंगी, वो भी HD बेस. सो बने रहिए वीडियो को स्किप के बगैर, एंड तक लाजमी देखिए. अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मेरा थोड़ा ही वॉच टाइम रहता है तो जल्द अज जल्द मेरे वॉच टाइम को भी कंप्लीट कर दीजिए. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जब आप बेस लगाते हैं तो आपको फेस को अच्छे तरीके से क्लेंस करना है, साफ़ सुथरा आपका फेस होना चाहिए. उसके बाद अगर आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है तो अपने दोनों स्किन पर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है. फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर ड्राई स्किन है तो हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है ताकि अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो सके, और ऑयली स्किन है तो मैंने आपको बताया था बेस्ट ऑप्शन सूथिंग लोशन है. ठीक है, सूथिंग लोशन से आप मॉइस्चराइज़ करने के बाद प्राइमर अगर आपकी स्किन पर सूट करता है तो आप लगाएं अपनी पोर्स वाली जगह पर, अदरवाइज़ नहीं लगाएं. मुझे लिटरली अब यकीन जाने प्राइमर सूट नहीं करता, ना ही मैं लगाती हूँ. प्राइमर मैं लगाऊँ तो जहाँ पे मेरे पोर्स हैं वहाँ पे मेरी जो बेस है वो फेड हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए मैं प्राइमर यूज़ नहीं करती. अगर आपकी स्किन पे चलता है प्राइमर, सही लगती है आपकी स्किन प्राइमर लगाने के बाद, तो आप लगा सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ले लूँगी पेंट बेस. ठीक है, जिसका FS45 नंबर है और ये फेयर एंड लवली की बीबी वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग है और ये रियली वाटर प्रूफ ही है. ठीक हो गया, सो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से ऑयल आया हुआ है, नज़र आ रहा है. तो इसकी ओरिजिनल होने की निशानी है, जो बेस अच्छी होती है हमेशा आपको उसके ऊपर ऑयल नज़र आएगा. ठीक है, सो सबसे पहले मैं ये ले लूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से एक ही स्वाइप में इतनी सारी आ गई है. तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि बेस को हमेशा फिंगर के साथ जो है वो ब्लेंड किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो सके. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले फिंगर की मदद से इसको लगा लूँगी और फिर फिंगर की मदद से ही मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज किया, प्राइमर लगाया, फिर आपने इस बेस को अच्छे तरीके से इवनली आपने अपने फेस पर लगाना है. अगर आप चाहें ब्यूटी ब्लेंडर, वेट स्पंज, किसी भी तरह जो आपको पसंद हो या आपके फेस पर सूट करता हो, आप उस तरीके से इसको लगा सकते हैं. तो मैं फटाफट इसको लगा के ब्लेंड कर लेती हूँ. आपके फेस पर अगर डार्क एरिया है तो आप उसको ऑरेंज करेक्टर से, जैसे डार्क सर्कल्स वगैरह हैं तो ऑरेंज करेक्टर के साथ आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बेस है. तो ये देखें, इस बेस को मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है. इसके बाद मैं सिंपल इसके ऊपर फेस पाउडर लगा लूँगी और यकीन जाने हमारी लॉन्ग लास्टिंग और वाटर प्रूफ, तब यकीन करें हमारी लॉन्ग लास्टिंग HD और वाटर प्रूफ बेस बनकर बिल्कुल तैयार है. अगर आप हाई कवरेज चाहते हैं तो आप स्पंज के साथ लगाएं, अदरवाइज आप सिंपल पाउडर ब्रश के साथ इस तरह से कर लें. तो ये आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर हमारी HD वाटर प्रूफ बेस तैयार है. अगर इस तरीके के कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो आप उस पर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज, रिजल्ट जो है वो इस बेस के बिल्कुल आपके सामने हैं. बहुत ही ज़बरदस्त बेस है. अगर आपके डार्क स्पॉट हैं तो आप कंसीलर करेक्टर के अलावा इस बेस को थोड़ा सा और लगाएं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त हाई कवरेज बेस है. तो अगर आप इसको भी जो है वो थोड़े से ज़्यादा लगा लेंगे जहाँ पर आपके डार्क स्पॉट हैं तो ये बेस ही उसको हाइड कर देगी. ठीक हो गया, रिजल्ट आपके सामने हैं. सिर्फ 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए, पेंट बेस एंड फेस पाउडर, सिर्फ 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए ये बेस रेडी हुई है और रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने हैं. जब आप इसके ऊपर ब्लश, कंटूर, आईज मेकअप और लिपस्टिक लगाते हैं तो ये बेस और ज़्यादा इन्हेंस होकर खूबसूरत लगती है मज़ीद. सो इस तरीके से सिंपल स्टेप में आपके ज़बरदस्त HD प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग बेस तैयार है. सो अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. दुआ में याद रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह.